गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी कुफरी में अपने होटल और टाइम हो गया चेकआउट का। आज तकरीबन हम लोग 9 बजे तक यहाँ से चेकआउट कर देंगे। तो देखिए मेरे रूम से बाहर का शानदार नज़ारा। सामने की शिमला की पहाड़ियाँ, एकदम पहाड़ों की गोद में बसा हुआ ये कुफरी। शिमला से तकरीबन 24 किलोमीटर के आसपास में होगा। तो आइए चलते हैं। अब आज हम लोग मूव कर रहे हैं चितकुल विलेज की ओर। मनु भाई बच्चे आइए। चार्ज कर लिया रात को लगा कर पूरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मनु भाई हम लोग निकल चुके हैं कुफरी से सांगला की ओर, है ना? सांगला वैली की ओर। टाइम है तकरीबन 9:40, तारीख 15 जुलाई। मनु भाई और मैं, ये देखिए ऐसे बैठे हो। अरे छोड़ दो गाड़ी की सीट, अरे छोड़ दो गाड़ी पे चिपके गए क्या? तो हम लोग पहुंच गए सांगला। 9:30 बजे निकले हुए तकरीबन पहुंचे हैं लोग 6 बजे, और रूम लिया है हमने निकुंज गेस्ट हाउस के अंदर। आइए दिखाता हूँ मैं। रिसेप्शन एरिया, ये सामने कॉटेज और ये 103 नंबर रूम, ये है साडा रूम। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंचे हैं सांगला निकुंज कॉटेज, और देखिए एक कॉटेज। क्या नाम भैया आपका? नीलम सर। नीलम? यस सर। ये नीलम जी हैं यहाँ के केयरटेकर। ये फैमिली कॉटेज, अगर काफी कूल बना रखा है। यहाँ का फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो किसी को हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनसे। इसका टैरिफ कम करीब 3,000 रुपये बोल रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल है। बाथरूम भी काफ़ी स्पेसियस। हम लोग तो सिंगल है तो हमें ये महंगा लग रहा है, तो हमने फिर एक ऑर्डिनरी रूम लिया है, वो भी दिखाता हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू। क्या करें,
मनु भाई खाने सत्ता सुन तो सकते हो, खाने सत्ता सुन तो सकते ही हो, खुशबू आ रही है फिर तो। बहुत जोर से भूख लगी है, रुक क्या करो, ले लिया फोटो मैंने।
नारकंडा रामपुर से पहले हाथू पीक पे पीछे मौसम देखिए कितना खतरनाक है यार, अगर अभी बादल फटेगा। तो हम पहुंच गए हैं हाथो पीक नारकंडा से तकरीबन 6 किलोमीटर ऊपर। यहाँ हाथो माता का छोटा मंदिर भी है। अभी हम आए हैं पीक पे 3,500 की हाइट में। 3,500 हाइट पे मौसम बड़ा सही,